30 सेकंड में लेना चाहते हैं पूरे 30,000 रुपये के लोन केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर, तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। इस कंपनी ने मुझे दिया है 6,160 रुपये। मैं आपको यहाँ बताऊँगा कैसे आपने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। तो गाइस सोच क्या रही हैं भाई, इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आपका भाई आपके लिए ट्रस्टेड फाइनेंस कंपनी लेकर आया जहाँ पर आप घर बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो हमने टारगेट रखा है 200 लाइक का, तो गाइज आप 200 लाइक तो इस वीडियो को दे ही सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, स्कूल फीस कॉलेज फीस आपको देनी है या फिर आपको किसी का उधार देना है, तो गाइज आप यहाँ पर छोटा लोन ले सकते हैं पूरे 30,000 रुपये तक का। कौन सी कंपनी है जहाँ पर आप लोन ले सकते हैं वो मैं आगे दिखाने वाला हूँ, वीडियो बिल्कुल मत करना। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी जहाँ पर आप ले सकते हैं घर बैठे लोन। चलिए शुरू करते हैं। जीरो परसेंट ब्याज पर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या फिर आप लेना चाहते हैं 30,000 रुपये का पर्सनल लोन, तो आपको डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन जिसका नाम है किश्त। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। गाइस ये एक ट्रस्टेड NBFC है जहाँ से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 0% इंटरेस्ट पर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी ले सकते हैं जैसे वह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको यहाँ पर इंस्टेंट क्रेडिट मिलेगा 30,000 रुपये का, यानी अगर आपको जरूरत है छोटे मोटे लोन की तो आप 30,000 रुपये का पर्सनल लोन यहाँ पर ले सकते हैं और अपनी पर्सनल जरूरत को पूरा यहाँ पर कर सकते हैं। केवल आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी होगी। आपको यहाँ पर इंस्टेंटली लोन की लिमिट मिलेगी, अगर आपको लोन की लिमिट मिलती है तो आपने लोन के लिए अप्लाई करना है। मुझे यहाँ पर मिली है 6,160 रुपये की लिमिट जो मैं आपको आगे अभी दिखाने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं लोन, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। पहले अगर हम बात करें डिटेल में कंपनी की, तो गाइस आपको यहाँ पर एक कंपनी बोलती है कि भाई आप यहाँ पर मोबाइल फोन लैपटॉप कैमरा वगैरह ले सकते हैं इजी EMI पर 0% इंटरेस्ट पर। आपको यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है जो आपको मिलेगा 14% से लेकर 28% पर एनम के इंटरेस्ट पर। यहाँ पर लोन आपको मिल सकता है 3 महीने से लेकर 24 महीने तक के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेंगे यहाँ पर 20,000 रुपये का लोन 16% पर एनम के इंटरेस्ट पर 6 महीने के लिए, तो आपकी EMI यहाँ पर होगी 3,490 रुपये और आपको यहाँ पर जो है इंटरेस्ट लगेगा 940 रुपये। लोन कितने तरह के मिलते हैं, तो गाइज आपको यहाँ पर जो कंज्यूमर लोन मिलता है वो पर्सनल लोन मिलता है। लोन लेने के लिए आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ओपन कर लेना है। 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, कम डॉक्यूमेंट्स आपको लोन मिलेगा। सबसे अच्छी बात गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आप यहाँ पर लोन लेते हैं यहाँ पर बोलते हैं कि भाई आपका कोई भी क्रेडिट रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर बोलते हैं कि भाई आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और आपकी इनकम कम से कम 12,000 महीना होनी चाहिए। लोन लेने के लिए आप अपने पास रख लीजिए आधार कार्ड और पैन कार्ड और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पर मुझे क्रेडिट लाइन दी गई है 6,160 रुपये की, यहाँ पर बोले भाई 6,160 रुपये का लोन आप ले सकते हैं 2 साल तक के लिए और आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं इजी EMI पर, यानी यहाँ पर मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, पर्सनल लोन भी ले सकता हूँ। अगर मैं आपको पहले शॉपिंग में जाकर देखाऊँ, स्टार्ट शॉपिंग में क्लिक करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोली कि भाई आप सैमसंग का कोई मोबाइल फोन आप यहाँ पर ले सकते हैं, आप यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ रेफ्रिजरेटर पर क्लिक करने के बाद, गाइस यहाँ पर एक स्टोर है कोहिनूर नाम से जहाँ पर आप एयर कंडीशन ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो भाई आपको इजी इंस्टॉलमेंट पर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट मिल सकता है। मान लीजिए आपको टेलीविजन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कई तरह के टेलीविजन दिखाई दे रही है। सैमसंग का हो गया 7,394 रुपये की आपकी EMI यहाँ पर होने वाली है। नीचे एक और DSL की LED है जिसकी EMI होगी 2,819 रुपये, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरह की EMI पर TV मिल रहा है, कोई सा भी आप TV यहाँ पर ले सकते हैं। TV नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर कूलर ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो इजी इंस्टॉलमेंट पर आपको मिलेगा, बिना क्रेडिट कार्ड के बिना पैसों के आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो प्राइस है, जो ये रेफ्रिजरेटर है 70,990 रुपये जिसकी EMI होगी 1,973 रुपये। भाई ऑन EMI पर क्लिक करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा आपके घर पर। आपको केवल यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। मैं बात करूँ अगर पर्सनल लोन की, स्पेशल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पर्सनल लोन के लिए, तो आपने लोन लेने के लिए फास्ट कैश पर क्लिक करना होगा। और अगर देखिए फास्ट कैश पर जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे 160 रुपये की लिमिट तो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। यहाँ पर बोले कि भाई आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर दीजिए, लोन अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ऐड बैंक अकाउंट पर अगर मैं क्लिक करूँ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बोले भाई कांग्रेचुलेशंस 2 साल के लिए हम आपको 160 रुपये का लोन दे रही है। 5,360 रुपये आपके अकाउंट के अंदर हम आपको दे देंगे, 6,062 रुपये का टोटल लिमिट यहाँ पर करना होगा। 2 साल का ये लोन है। फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आपको देने को 15 दिन बाद 6,062 रुपये की, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, यानी लोन है केवल 15 दिन का, बोलते हैं 2 साल के लिए, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरा लोन खत्म हो जाता है। ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल की ऐड करनी होगी, प्रोसीड करना होगा, लोन अपने बैंक अकाउंट के अंदर आपको ले लेना होगा। जैसे मैं इसको प्रोसीड करूँ, प्रोसीड करने के बाद ये लोन 30 सेकंड के अंदर मेरे बैंक अकाउंट के अंदर मुझे मिल जाएगा। गाइस अब बात आती है आपने ये लोन लेने के लिए क्या करना होगा, तो गाइस ये लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, जिसके अंदर आपको जो है अपनी
पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। और इंस्टेंटली आपको यहाँ पर लोन के लिए लिमिट मिलेगी, जैसे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर लोन के लिए लिमिट मिली हुई है। फिर आपने उस लोन अमाउंट को अप्लाई कर देना है, लोन अपने बैंक अकाउंट के अंदर आपको ले लेना है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं इस इंस्टॉलमेंट पर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, या फिर आप लेना चाहते हैं पर्सनल लोन, तो किस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लोन अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं कल एक वीडियो के साथ, अगली भी इतना ही वीडियो बोलना। थैंक यू सो मच।